व्हाट्सएप के न्यू फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ कि व्हाट्सएप QR कोड क्या है और कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे गूगल पे फोन पे में QR कोड होता था जिसकी मदद से नंबर सेव नहीं करना पड़ता था, डायरेक्ट QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते थे, उसी तरह आपको व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करने के लिए, फोटो भेजने के लिए आपको कॉन्टेक्ट में नंबर सेव करना, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना नंबर को, उसके बाद फोटो या वीडियो भेजना। ये थोड़ा लेजी प्रोसेस था, इसी को हल्का करने के लिए आपको यहाँ पे QR कोड मिलता है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल के नेम के सामने QR कोड दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे QR कोड ओपन होगा जो आपका QR कोड है। अगर आपको किसी को व्हाट्सएप नंबर देना है तो यहाँ पे शेयर पे टैप करके आप किसी को अपना व्हाट्सएप का QR कोड शेयर कर देंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपको अपना नंबर देने का कोई टेंशन नहीं है, वो QR कोड को स्कैन करके सीधली आपके पास पहुंच जाएगा और आपके व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट में जुड़ जाएगा। या आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, फोटो वीडियो भेजना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर सेव करने का लेजी प्रोसेस फॉलो करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको QR कोड स्कैन पे जाना है, स्कैन QR कोड पे, और किसी का भी QR कोड को ओपन करके स्कैन करिएगा, ऑटोमेटिक आपके कॉन्टेक्ट में यहाँ पे आके सेव कर सकते हैं। इस तरीके से QR कोड को यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि QR कोड क्या है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसी तरह का वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।